23 मई को लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना को सकुशल निपटाने के लिए सोमवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में मतगणना कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 23 तारीख को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले मतगणना के लिए मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य प्रेक्षक अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता व डिप्टी कमिश्नर मनरेगा उमेश चंद्र तिवारी की मौजूदगी में एनेक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। गोरखपुर व बांसगांव संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया को सकुशल निपटाने के लिए आगामी 23 मई को होने वाली मतगणना को सकुशल निपटाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को एनेक्सी भवन में मतगणना में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वो प्रशिक्षण में मिलने वाली जानकारियां का मतगणना के दौरान पालन करें। कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए मतगणना से जुड़े कई जरूरी टिप्स दिए गए। इसमें उन्हें वोट की गिनती करने के साथ ईवीएम व वीवीपैट के मिलान के बारे में भी जानकारी दी गई। कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण में मिलने वाली जानकारियों को वो ठीक से समझ लें, जिससे मतगणना के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, मतगणना के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। आपको जो फॉर्मेट मिलेगा ये हो सकता है पुराना हो, उसमें राउंड नंबर और टेबल नंबर अनिवार्यता बना जाना रहता है। उस पर हम लोगों ने भी ड्यूटी की हुई है, मतगणना ऑब्जर्वर का ये ड्यूटी पुलिस में लिख रहा है, इसको मोटा मोटा देख लें। इसमें आपका परीक्षण मत नहीं दिख रहा है, तो परीक्षण मत क्योंकि वो पार्ट वन आपके काफी सुपरवाइजर के पास होगा। सारी चीजें लिखा है कि अनुरोध है तो क्या करना है, आप सिर्फ होना होगा ये समझे। यदि आप सभी का स्वागत है, देखिए आज का प्रथम चरण का परीक्षण समाप्त हो गया है। यदि आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो 5 मिनट की ट्रेनिंग चलाई जा रही है। 23 तारीख को जो काउंटिंग होना है उसमें ऐसे आपके टेबल पर सीईओ आएगी, इसको जब आप करेंगे तो इतना से प्रदर्शित करेंगे, इसके अंदर ये सीट तोड़ दिए जाने के बाद उसको जब बोलेंगे तो इसके अंदर आपको रिजल्ट बटन दबा करके वहाँ पर सभी मतदान काउंटिंग एजेंट्स को रिजल्ट दिखाए जाने होते हैं, वो रिकॉर्ड भी करते हैं और काउंटिंग सुपरवाइजर अपने फॉर्मेट में 17C/2 तैयार करते हैं और उसके बाद अपना दस्तखत करते हैं। फिर वहाँ उपस्थित जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनसे दस्तखत करा करके और आर ओ टेबल पर उसको भिजवा दिया जाता है और फिर आर ओ साहब वहाँ पर टेबुलेशन करा करके राउंड वाइज उसकी घोषणा करते रहते हैं। इस तरह से ये काउंटिंग पूरे दिन आपको 14 टेबल पर राउंड वाइज चलती रहेगी।